आज है मेरे शहजादे मोहम्मद साद की बर्थडे, तो मैंने सोचा है कि कोई गिफ्ट वगैरह उसके लिए लिया जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या लूँ मैं। तो अभी मैंने हमज़ा को बोला है कि भाई मेरे साथ चलो, देखते हैं हमें क्या लेना है गिफ्ट। तो हम लोग निकलते हैं अभी, आप भी हमारे साथ चलें। क्या हुआ हैं? अबे क्या खुजा रहे हो? काम मैंने खुजाने के लिए नहीं बोला आपको भाई। फिर बैठ गए यहाँ पे यार, अजीब बंदे हो यार आप। चलो ना, तो इतनी देर एक तो नखरे खत्म नहीं होते आपके। चलना कहाँ ये बताओ। चलेंगे, पता चल जाएगा। बाइक की चाबी उठाओ, पेट्रोल नहीं है लेकिन इसमें। नहीं नहीं बगैर पेट्रोल के चलाता हूँ मैं, पानी वाली बाइक है मेरी। पानी यहाँ से बंद। गजब बेइज्जती है ये, सही ड्रामा है भाई। अब हम लोग निकल रहे हैं भाई, बाकी आपको हम महाराष्ट्र में दिखाएंगे। ये बंदा है हमारा, चलो भाई हम लोग फाइनली। मैं अभी पीछे बैठा हूँ अपने दोस्त हमजा के। प्यारी समझ गई। चलो भाई और यहाँ से निकालना है, अब ये इम्तिहान है आपका। अब ये तो कहीं और आ गए हो हमजा। हाँ यहाँ तो कुछ और मिलता है। हाँ भाई निकाल जो भी है, जल्दी निकाल। अबे गलत यार, ये भी ठीक है। कितने निकाल रहे हो हमजा? जितने ये सब निकालो। 2 लाख? ये शक्ल दिखाओ। सारे निकाल दो। इधर देखो, सारे निकाल दो। नहीं सारे नहीं निकालो, बस फिलहाल जो है ना कम निकालो। सही है, निकालो जल्दी निकालो फटाफट। साथ का गिफ्ट लेना है आज, आपकी तरफ से गिफ्ट है ये। चीटिंग 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 करता है तू। ये क्या है, ये क्या है? अबे ये तो वो है जो चढ़ा, वो जो होता है ये वाले भी मशीन पे आपका भी कार्ड होता है। इस पे नहीं फंसा था मेरा कार्ड, निकाल लिए। चलो मैं भी निकालूं। निकाल। आज बोलते इंग्लिश वाली। इंग्लिश वाली? हाँ इंग्लिश वाली। इंग्लिश बोतल बोतल वो जो फैक्ट्री वाले देते हैं। नो नो, तो ऑडियंस समझ गई होगी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। कौन सी? अरे वहां नहीं देखो, तुम सामने देखो। इसके चक्कर में ठुकाई होती है पता है। अरे चक्करों में हाँ ना, हमेशा जो लगती है ना इन्हीं के चक्करों में लगती है बहन चोद, पता तो है तुम्हें। यार हमजा एक बात समझ में नहीं आ रही, पता है कौन सी? हेलो, वही तो समझ में नहीं आ रही ना यार। तारे रोड पता है ना कहाँ है? अच्छा अच्छा, शिकारपुर से कराची आया हो? कराची एक तो ये हर किलोमीटर के बाद एक कबाबजी से आता है। इतने सारे कबाब जी दिए क्या करेंगे ये? ये क्या चाहते हैं कबाब जी वाले? भजन थाने वाने से मैं नहीं छुड़ाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ बदमाश तो हो, लेकिन आजकल बदमाश अंदर हैं पता है आपको। कोई बात नहीं, हाँ वायरल कर दूंगा, बोलूंगा भाई ये बंदा जो है ना। लग तो नहीं रहा हमदा। फिर क्या लग रहा है? मैं चलूं। हाँ ये देखो। हाँ
भाई हम लोग बैठे हैं पिशावरी बैठक पर जो के है बोल बेसन पर, तो हमने तो अपना ऑर्डर दे दिया है भाई। अब हमारा जिसकी बर्थडे बॉय है जो, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको खाना क्या है। भाई बताओ आपको क्या खाना है, बताओ, ये आपका मेन्यू है, क्या खाना है बताओ। भाई केक तो बाद में लेंगे ना, पहले मुझे ये बताओ कि फ्राइज, हॉट शॉट, फ्राइज, हॉट शॉट, मोमोज, मोमोज, चलो मोमोज बोलता हूँ, और क्या खाना है बताओ। ब्रोस्ट, ब्रोस्ट ठीक है, और चिकन रोल और जिंगर, अच्छा, और क्या, और बस ऐसे कैसे, आइसक्रीम और वो फालूदा, वो जो फालूदा होता है भाई, स्पेशल फालूदा नहीं होता जिसके अंदर ड्राई फ्रूट होता है, आइसक्रीम होती है, शेक होता है उसके अंदर, वो नहीं। अरे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, अरे हाँ आज कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है डन, आज पियो आप कोल्ड ड्रिंक, सही है, पेप्सी डब्बे वाली, डब्बे वाली पीनी है, टिन वाली पीनी है, बताओ भाई। जब तक खाना आ जाए तब तक मैं सास की गोद में सो रहा हूँ, सही है भाई। अच्छा मुझे अपनी अपनी गोद तो दे दो, अपनी गोद में सुलाओ। अच्छा इधर देखो, इधर तो देखो, अरे भाई इधर देखो, क्यों नहीं करो बताओ भाई, मैं सो रहा हूँ, सही है, खाना आ जाए तो मुझे उठा देना, ठीक है, मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है मुझे, मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, क्यों, जब खाना आ जाए मुझे उठा देना, सही है भाई, ठीक है भाई, खाना आ गया, कहाँ है, अबे कहाँ आया, झूठ बोल रहे हो, कहाँ आया खाना, ये कहाँ है, ये तो रायता है, रायता खाएं फिलहाल, रायता खाऊं, अच्छा चलो मैं फिलहाल रायता ही खा लेता हूँ, सही है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, बाहर तो वो बन रहा है, भाई आज हमारे बेटे की सालगिरह है, और ये हमारा बेटा जो है वो रोते पे रोता जा रहा है, रोते पे रोता जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, ये देखो भाई, ये देखो भाई, रो क्यों रहा है ये तो बताओ, क्यों रो रहा है, अबे बताओ तो सही, रो क्यों रहे हो, पहले ये बताओ, हैं, घोड़े पे, ओ घोड़े पे, भाई ये इसकी फरमाइश आई है कि आज जो है वो मेरा केक जो है वो, इसको ना भाई घोड़े बहुत पसंद है, है ना, घोड़े इसको बहुत पसंद है, तो ये मुझे बोल रहा है कि भाई मेरा जो केक होगा उस पे घोड़ा लाजमी हो, यानी ये कौन सा शौक है घोड़े वाला, हमने तो बचपन में कोई शौक नहीं पाले घोड़े वाले, हैं, कहीं जाना है, कहीं मार्केट में जाते हैं तो भाई इसको घोड़े ही चाहिए, इसको खिलौने में भी घोड़ा चाहिए, पता नहीं क्या है ये घोड़े का मसला, भाई क्या मसला है बताओ, केक कौन सा चाहिए, कौन सा बताओ, बताओ ऑडियंस को बताओ, आपको केक कौन सा चाहिए, घोड़े वाला, ना, तो स्पाइडरमैन वाला, ना, तो कौन सा, हल्क वाला, ना, तो डाला वाला, ना, मोटर बाइक, ना, तो कौन सा चाहिए भाई बताओ ना यार, कौन सा, बस हंसे पे ऐसे जा रहा है, हंसे पे ऐसे जा रहा है, पता नहीं क्या है, बताओ ना कौन सा चाहिए भाई। वैसे तो साथ को स्कूल के दिनों में, नॉर्मल दिनों में उसकी आइसक्रीम बंद होती है, उसके फ्राइज बंद होते हैं और उसके हॉट शॉट बंद होते हैं, लेकिन आज क्योंकि आज ये साथ का दिन है तो आज साथ आइसक्रीम भी खाएगा, साथ फ्राइज भी खाएगा, साथ और कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, और साथ जो है आज हॉट शॉट भी खाएगा, आज खाएगा सब कुछ। तो हम जी भाई आइसक्रीम नहीं, क्यों, भला खराब हो जाता है, अच्छा, और फ्राइज, फ्राइज
फ्राइज खाने है? अच्छा फ्राइज खाने और हॉट शॉट है, मुझे थोड़ी खाना है अभी, फ्राइज थोड़ी है, ये फ्राइज थोड़ी है भाई है साथ, ये फ्राइज है, ये सैलेड आ गया है, सैलेड खानी है आपने, सैलेड खानी है, है? चलो एक काम करो, उठाओ और बाबा को खिलाओ, उठाओ ना बाबा को खिलाओ। एक तो ये इसके ड्रामे खत्म नहीं होते भाई, ये पता नहीं कौन सा हमने अदाकार पैदा आ गया हमारे घर में। चलो उठाओ 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 सैलेड उठाओ, सैलेड उठाओ भाई, हाँ सैलेड उठाओ भाई, बाबा को तो खिलाओ, चलो आप भी खाओ, आप भी खाओ, अरे खाओ बिल्कुल, हाँ कल हमारे साथ और कौन है, मम्मा, मम्मा नहीं है, अच्छा ये बताओ मम्मा प्यारी है या बाबा, बाबा मम्मा, हाथ में दर्द हो गया, कैसे करते हैं इनको, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, भाई साथ कह रहा है कि व्लॉग नहीं बनाओ, वीडियो नहीं बनाओ, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मामा अच्छी है बाबा अच्छा है, बताओ ना यार कौन अच्छा है, मैं इशारे देख रहा हूँ बाबा अच्छा है मम्मा अच्छी नहीं है, कहाँ भाई ना एक बताओ भाई, हाँ अच्छा चलो मामा, मामा अच्छी है बाबा ज्यादा कौन अच्छा है यार, कोई एक बताओ, एक नहीं, अच्छा चलो ये कपड़े किसने दिलाए, बाबा मुँह दोनों ने, अबे ये क्या खा रहे हो, लीम मुँह है ये, आगे देखो थोड़ा जबान लगाओ खट्टा है, खट्टा है, चेक करवाओ, चेक करवाओ, अरे अरे ये क्या है, तो लींबू पानी तो हम पीते हैं ना, ये तो खीरा है, ये तो वो है लींबू है, ये खाने वाला थोड़ी है, इससे लींबू पानी निकलता है, ये खाने वाला नहीं है भाई, खाने वाला नहीं है, जब तक खाना आ जाए तब तक हम करेंगे मस्ती, सही भाई मस्ती है, जैसे जैसे जल्दी ऊपर दो, ऊपर दो यार, आपके कपड़े तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, ये पैंट भी बहुत प्यारी है, आपके शूज, आपका अपर और आपकी टी शर्ट बहुत प्यारी है, मुझे बड़ी पसंद आई है, देखो ब्लैक ब्लैक मेरी पैंट भी ब्लैक है, आपकी ब्लैक है, हाँ वो तो खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ, अरे अब तो बड़े हो गए माशाल्लाह, कितने ईयर से, 4 ईयर से, भाई फाइनली हमारा खाना आ गया है, क्योंकि हमारा मूड था आज जो है वो हांडी और प्लस में टिक्का शिक्का खाने का ना, फास्ट फूड तो बहुत खा रहे हैं यार, लेकिन फास्ट फूड का मूड नहीं था, अच्छा हमको सिखा रही है, तो हमारा खाना आ गया है, और ये सांप की जो है वो क्या आ गई है भाई आपकी, कोल्ड ड्रिंक, कौन सी वाली, फंटा, और ये हमारा टिक्का आ गया है, बाकी कबाब पीछे रहते हैं, तो इसको हम देखते, ओहो ये तो बहुत गर्म है, ये हांडी है, उसको भाई मेरे हाथ ना जल जाए साथ, ओए होए होए होए, ये है मखनी हांडी, और ये है कौन सा है, ये मेरे ख्याल में चरसी टिक्का है, चरसी है साथ हैं, ओ भाई आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, खाना भी खाना है आपने, तो अच्छा चलो खाना भी खाओ उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी पियो, सही है, डन है, ऊपर देखो, डन, ओके डन, ओके
चलो भाई हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। अच्छी बात नहीं है यार ये, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी वीडियो में ना खाना वाना नहीं दिखाऊं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, समझ रहे हो ना? सही है ना साद, खाना नहीं दिखाना चाहिए यार, अच्छी बात नहीं होती। सही है, अभी हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद जो है इस व्लॉग को अगेन शुरू करेंगे। नालो बजाया पंजो अंकल के साथ इतने आज का माशाल्लाह दूसरा केक ले लिया है, अभी हम लोग काटेंगे। ये आप देख लो, अच्छो आने कहाँ जा रहे हैं हम? हैं दुबई? दुबई नहीं जा रहे, आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं। चलो दुबई, चलो दुबई चलते हैं। आपके शूज की लाइट नहीं जल रही, कहाँ है? जलाओ दूसरे वाले की, दोनों की नहीं जल रही, पता नहीं क्या हुआ। चलो आराम से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, आप खैरियत से होंगे, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि बस ना पूछें, हर जगह पे बस न्यूज़ अमेंडमेंट ये वो सब पता नहीं क्या क्या। कुछ टाइम पहले मैंने भी एक काम शुरू किया था न्यूज़ का, लेकिन ये कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि वीलॉग शुरू की जाए, तो ये मेरा पहला वीलॉग था जिसका मैंने प्लेलिस्ट में नाम रखा है जूबी के वीलॉग। तो आप जो है वो मुझे बताना कि आपको वीलॉग कैसा लगा। जाहिर सी बात है मैंने आपको बोला कि मेरा पहला वीलॉग था, तो वो पता नहीं कैसा हो, उसमें ऑडियो का भी थोड़ा मसला था, उसमें फ्रेमिंग का मसला था, तो ये सब चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह मैं आपके फीडबैक के बाद जो है वो और बेहतर करूँगा। कोशिश तो यही है कि आपके लिए कोई अच्छी चीज़ पेश करें, ताकि आप जो इन न्यूज़ और ये सारा दिन अफरा तफरी और इन परेशानियों से निकल के जब आप मेरी वीडियो देखें तो आपको वो वीडियो पसंद आए और आप कम से कम आपके चेहरे पर स्माइल तो हो। तो अच्छा हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, मेरा नाम है जुहेब और आप देख रहे हैं जूबी के भी लोग। अच्छा हुआ ये कि बेसिकली मैंने ये कैसे डिसाइड किया या सोचा कि वीलॉग शुरू करना चाहिए, मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, कर रहा था काम और मेरे साथ बैठा हुआ था वो जो आप वीडियो में आपने देखा है हमजा, वो मेरा दोस्त है, साथ काम करता है ऑफिस में। तो हम लोग बैठे हुए थे तो ऐसे ही बात करते करते ना एक वीडियो आई हमारे सामने, तो वो वीडियो थी 3, 2, 1 बस, बाकी आप समझ गए होंगे। तो वो देख के जब मैंने हमजा को बोला कि हमजा ये क्या सीन है यार, ये मतलब ये भी देखो यार, ये भी वीलॉग और पता नहीं क्या, ये यूट्यूब ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे? तो हमजा ने एक बात बोली यार मुझे वो मेरे दिल को लग गई। हमजा ने बोला कि भाई उसके पास जो है ना एक चीज है जो आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आपके व्यूज नहीं आएंगे। तो मैंने बोला भाई कौन सी चीज है? तो वो वीडियो देखते देखते ना अचानक से एक पुष्पा आ गई। यार हम हल्के बंदे ने पुष्पा को समझा यार, बंदे ने एंजॉय नहीं करा तो फिर पैसा किसका?
किस काम का फिर एंजॉय करो भाई, एंजॉय के बिना कुछ नहीं है, थ्रिल टू एंड फिल हो गया भाई हम लोग। वाह, तो जब वो पुष्पा देखी तो मुझे समझ में आई कि हाँ वो जो 3-2-1 पिल्ले है वो पुश के बटन पुष्पा के साथ मिलके वीडियो बना रहा है तो इसलिए उसके व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमज़ा ने बोला नहीं भाई, हम ये आप कोशिश करो, आप बनाओ वीलॉग, बनाओ आपके वीलॉग अच्छे होंगे, लोग देखेंगे, ये होगा वो होगा। तो मैंने बड़ा उन्होंने बोला नहीं यार ये क्या, तुम कहाँ किस धंधे में लगा रहे हो। तो उसके बाद बैठे बैठे बस अचानक हमज़ा ने बोला कि भाई कुछ खाने चलते हैं, मैंने बोला चलो चलते हैं। तो मैंने मोबाइल उठाया और ऐसे ही फ्रंट कैमरा खोला और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जुहेब। तो मैं शुरू हो गया बस फिर क्योंकि मेरे बेटे मोहम्मद साद की आज सालगिरह भी थी, बर्थडे थी उसकी, वो माशाल्लाह 4 साल का हो गया है। तो हमने सोचा कि वही व्लॉग बना लेते हैं, लेकिन ये है कि वो आपको पता है फर्स्ट टाइम था हमारा, और उसके बाद कराची के हालात आपको पता है, कहीं मोबाइल निकालो तो एक आवाज आती है पीछे से, मोबाइल निकाल कड़वे, हाँ यही आवाज। तो इसी वजह से हम लोग कहीं मोबाइल निकाल रहे थे, कहीं नहीं निकाल रहे थे। उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने गए, साथ का गिफ्ट लिया, लेकिन वो भी क्योंकि रश इतना ज्यादा था तो हम लोग गए हुए थे तारिक रोड की साइड, तो वहां पे आपको पता है फिर वो ज्यादा थी, तो हम लोग मुनासिब, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं यार ये इतनी लड़कियों औरतों के बीच में ये वीलॉग बनाना, कैमरा निकालना, वो तो भाई हमसे नहीं हो पाया, पहले से पता शायद। तो हमने वो रिकॉर्डिंग नहीं की ना, तो हमने गिफ्ट वगैरह ले लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ आए, जब बैठे तो हमने बोला यार ये गिफ्ट कम है, तो हम लोग बैठे बैठे उसके बाद दोबारा गए, हम लोग चले गए इम्तियाज मार्ग। तो हम लोग जब इम्तियाज गए तो वहाँ पर भी हमने बड़ी तफरी की, अल्लाह गुला किया, लेकिन वो यार वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन बड़ी अच्छी तफरी की थी हमने। तो वो सब चीज़ें जो है अभी हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट में जो है वो हम ये सब चीज़ें करेंगे। तो अगर आपको ये वाला वीलॉग हमारा पसंद आया, मुझे बताइए इसका ना सर है ना पैर है, कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ ख़त्म हुआ है, लेकिन ये प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। लेकिन आपका फीडबैक बहुत लाजमी है, आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि भाई मैंने कौन सा भण मारा है, ये आगे कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो मेरे दोस्त मेरे पर्सनल व्हाट्सएप वगैरह में हैं तो वो भी मुझे लाजमी बताएं कि भाई मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और जाहिर सी बात है जो एक यूट्यूबर या वीलॉगर वो एंड में एक ही चीज़ बोलता है कि भैया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो वो 3-2-1 पिले तो वो कुछ और दबाता रहता है सॉरी, लेकिन ये कि आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अभी के लिए मुझे दें इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।